एलन सोली, फ्लाइंग मशीन, H&M, लिवाइज और रोडस्टर, ये पांच जीन्स मैंने अपने खुद के लिए मंगाई थी क्योंकि मेरी जीन्स अब मुझे लग रहा था कहीं ना कहीं पुरानी हो रही है, नई कलेक्शन ऐड करने की जरूरत है। अब इनमें से मैं कौन सी जीन्स रखूंगा अपनी चॉइस के हिसाब से, किन किन फैक्टर्स को देखूंगा और कौन सी हम रिटर्न कर देंगे। सबसे पहले H&M की ये जीन्स रेगुलर फिट में आ जाती है और इसका प्राइस है 1499 के आसपास। लेकिन इसको क्यों सिलेक्ट किया था, क्योंकि मेरी कलेक्शन में क्या है कि कोई एक अच्छी स्काई कलर की जीन्स नहीं है। एक है जिसे मैं इंस्टाग्राम पे जो लोग फॉलो करते हैं उन्हें पता है कि मैं इसे पुश्तैनी जीन्स कहता हूँ। लाइक हमारे कुछ ऐसे कपड़े होते हैं ना जिन्हें हमसे बहुत ज़्यादा प्यार होता है, नहीं जिन्हें हमसे नहीं हमें उनसे बहुत ज़्यादा प्यार होता है। क्यों मंगवाया था, एक तो इसके कलर के कारण, जो ये कलर है ये बहुत ही एक रॉयल कलर्स में आ जाता है, ये काफ़ी वर्सेटाइल कलर होता है। जब आप इन्हें चाहे आप पोलोस के साथ पहन लो, चाहे आप इसे शर्ट्स के साथ पहन लो, चाहे आप इसे टी शर्ट्स के साथ पहन लो, बहुत ज़्यादा वर्सेटाइल कलर है। और जब मैंने इसे पहना, अगर हम फिटिंग की बात करें तो ये रेगुलर फिट में आ जाती है, लेकिन अगर आप ध्यान से दो तो ये कहीं ना कहीं मेरी बॉडी टाइप के हिसाब से बूट कट वाला टच दे रही है, क्योंकि मैं प्रॉपर एक फुल फ्लेज बूट कट नहीं पहनता हूँ। और इसका जो फैब्रिक है वो मोटा डेनिम वाला फैब्रिक नहीं है, यानी कि वो लेग्स के साथ ज़्यादा दिखे चिपक नहीं रहा, जिससे क्या होगा कि ज़्यादा पसीना नहीं आएगा, बहुत ही रिलैक्स्ड में आ जाता है। और इससे क्या होगा कि ये गर्मियों के लिए एक परफेक्ट फिट बन जाएगी। हाँ ये है कि फिटिंग तो करवानी पड़ेगी नीचे से, वो ऑलमोस्ट 9, अगर तुम 10 जीन्स बाय करो 9 की करवानी ही पड़ती है, इसलिए ये जीन्स तो मैं डेफिनेटली कीप कर ही रहा हूँ, इसको वापस नहीं भेजूंगा, बहुत ही चुमेश्वरी लगी मुझे ये जीन्स। नेक्स्ट है फ्लाइंग मशीन की स्लिम फिट जीन्स, जिसका प्राइस 1600 के आसपास है। लेकिन जब मैंने पहली बार इसे पहना तो मेरे अंदर से जो आवाज आई कि इसे रखना है या नहीं रखना है, वो ये आई कि नहीं यार मुझे इस जीन्स को नहीं रखना है। उसके पीछे रीजंस क्या हैं, वो ये है कि आप इसकी फिटिंग देखो, इसकी फिटिंग देखो, थाई से कितनी ज़्यादा टाइट हो रही है। माना कि ये स्लिम फिट है, मैं मानता हूँ, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं फिटिंग देखो क्या है कि ये जो तुम्हारी लेग्स है ना, अगर तुम्हारी लेग्स पतले हो उनको और भी ज़्यादा पतला दिखाएगी। हालांकि इसकी क्वालिटी अच्छी है, इसकी स्टिचिंग क्वालिटी भी अच्छी है और फैब्रिक क्वालिटी भी अच्छी है, फील करके पता चलता है कि तुमने हाँ कुछ अच्छी क्वालिटी की जीन्स पहननी हुई है। लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ फिट, क्योंकि लेग्स को पतला दिखा रही है, अगर आपने इसके साथ ऊपर वाली बॉडी पे, अपर बॉडी पे अपना कुछ बैगी पहना, तो यानी कि लेग्स तुम्हारी हाईलाइट होंगी और भी ज़्यादा पतली दिखेंगी। और वहीं इसके साथ आपने अपर बॉडी में ऐसा पहन लिया जो कि बैगी नहीं है, आपकी फिटिंग के हिसाब से, देन आप बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा पतले दिखोगे। अब मैं सिर्फ जस्ट बिकॉज कि इसको फिटिंग इसकी मुझे पसंद नहीं है, इसको तो डेफिनेटली हम वापस भेज रहे हैं। नेक्स्ट जीन्स जो मैंने मंगवाई थी, वो मंगवाई थी रोडस्टर ब्रांड की, ये भी स्लिम फिट कैटेगरी में आ जाती है और इसका प्राइस 1100 के आसपास है बस। लेकिन जब मैंने इस जीन्स को पहना तो सबसे पहले जो मेरा ध्यान गया ना, वो गया इसके वॉशेस के ऊपर। जो इसके ऊपर देखे यहाँ पे जो वॉश हुआ है वो लेजर वॉश है। अब यहाँ पे देखिए, जो हमारी ये वीडियो है कि आपको एक अच्छी जीन्स की क्वालिटी को कैसे पहचानना है, कि जो आप प्राइस पे कर रहे हो उसके वर्थ है भी या नहीं, या फिर एक चीप क्वालिटी की जीन्स को कैसे पहचानना है, अगर आप इस वीडियो में से सीखो तो वहाँ पे हमने क्लियरली बोला है कि जहाँ पे लेज़र वॉश होता है उन जीन्स में थोड़ा कम क्वालिटी, यानी कि पैसे बचाए होते हैं वॉशिंग करते वक्त। अगर आप इस जीन्स में देखें, क्लियर पता चल रहा है कि ये एक लेज़र वॉश है। और मैं पर्सनली अगर आप बताऊं, हालांकि ये पर्सनल चॉइस है, आपकी अपनी चॉइस हो सकती है, लेकिन पर्सनली मैं जो लेज़र वॉश होते हैं ना, जिनका वॉश दिखने से ही पता चल रहा होता है कि इतना अच्छा वॉश नहीं है, उन्हें मैं डेफिनेटली अवॉइड करता हूं। इसका जो आगे जो वॉश है वो मुझे पसंद नहीं आया, और जो पीछे पॉकेट्स के ऊपर डिज़ाइन है वो मुझे पसंद नहीं आया। इन दो रीजंस के कारण मैं इस जीन्स को वापस भेज रहा हूं। लेकिन अगर आपको वॉश पहनना पसंद है, आपको ऐसा डिज़ाइन पसंद है, देन आई बिलीव कि 1100 में ये जीन्स वर्थ होगी, क्योंकि इसका जो फैब्रिक है और इसकी जो स्टिचिंग क्वालिटी है वो भी अच्छी है। सो ऑल डिपेंड्स फॉर पर्सनल चॉइस, लेकिन मुझे ये जीन्स इतनी ज़्यादा पसंद नहीं आई है, तो ये तो डेफिनेटली वापस जा रही है जस्ट बिकॉज ऑफ टू रीजन। अगली जीन्स है हमारी लिवाइस की, जो मैंने मंगवाई थी। अब यहाँ पे देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको यहाँ पे नोटिस करने वाली होगी कि लिवाइस की जीन्स के ऊपर वॉश देखें और जो रोस्टर की जीन है उसके ऊपर वॉश देखें। दोनों के ऑलमोस्ट सेम तरह के वॉश हैं, लेकिन आपको देखने से ही क्वालिटी का पता चल रहा होगा कि जो लिवाइस की जीन है उसके ऊपर जो वॉश है वो थोड़ा हल्का सा प्रोफेशनल टच में जा रहा है एज कम्पेयर टू
रोस्टर। लेकिन जो ये लिवाइस की जीन है, इसमें क्या हो रहा है कि एक तो ये मेरे साइज के हिसाब से नहीं आई है। आई थिंक कि वैसे जो ये सारी जीन्स है ये 32 है, लेकिन लिवाइस की 32 भी मुझे बड़ी आ रही है, तो एक साइज छोटा होना चाहिए। जो ऐसे कलर है ये आपकी जब कलेक्शन में आप ऐड करो तो वो आपकी लास्ट ऑप्शन होनी चाहिए। जो बेसिक कलर्स हैं पहले उनको ऐड कर लो, जैसे कि ब्लैक, व्हाइट, नेवी ब्लू, स्काई, ऐसे कलर्स को पहले ऐड, ग्रे, राइट, इनको पहले ऐड कर लो। 2000 के आसपास की जीन्स है, तो यानी कि मुझे अगर मैं सोचूं तो ये इतनी ज़्यादा वर्सेटाइल नहीं है, मैं ज़्यादा के साथ पहन नहीं पाऊंगा, और कहीं ना कहीं वॉशिज जो वॉश है वो भी मैं कहीं ना कहीं पहनने अवॉइड करता ही हूँ। तो इस जीन्स को मैं वापस भेज रहा हूँ। हालांकि जो इसके ऊपर ये साइड्स पे पॉकेट्स के ऊपर ये यहाँ पे डिज़ाइन है ना, ये मुझे बहुत अच्छा लगा था। नेक्स्ट है एलन सॉली की प्लेन ब्लैक जीन्स, जो कि अगेन 1800 के आसपास आती है और ये स्किनी फिट में आती है। अब यहाँ पे देखो डिफरेंस देखना क्या आएगा, ये स्किनी फिट में आ रही है, जो हमारी ये जीन्स थी फ्लाइंग मशीन वाली वो स्लिम फिट में आ रही थी, वो कितनी ज़्यादा टाइट लग रही थी, लेकिन ये स्किनी फिट होने के बावजूद भी लेग्स के ऊपर इतनी ज़्यादा टाइट नहीं लग रही है। यही बात कर रहा था कि मैंने क्यों फ्लाइंग मशीन वाली को वापस भेजा है। अब ये ब्लैक क्यों मैंने ऐड किया, वो इसलिए ऐड किया क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि एक लड़के के पास दो मिनिमम ब्लैक जीन्स होनी चाहिए। मैं सच बता रहा हूँ, क्योंकि एक तो ये बहुत ज़्यादा वर्सेटाइल होती हैं। जब भी मैं शॉपिंग करता हूँ मैं हमेशा ध्यान रखता हूँ कि वो चीज़ वर्सेटाइल कितनी है, अंटी नलस की कोई मैं डिज़ाइनर वेयर पहन रहा हूँ, जैसे कि ये है, ये ज़्यादा वर्सेटाइल नहीं है, जस्ट बिकॉज कि मुझे शौक था, मुझे पसंद ज़्यादा आया तो मैंने ये ले ली, हालांकि ये ज़्यादा वर्सेटाइल नहीं है। अब इसकी अगर हम फिट की बात करें, परफेक्ट फिट पहनते ही, हालांकि इसकी जो फिटिंग है जो नीचे से है वो करवानी पड़ेगी, लेकिन इसकी जो थाइस से फिटिंग है वो मुझे बहुत अच्छी लगी। ये एक परफेक्ट पैंट होगी मुझे किसी नाइट पार्टी में पहन के जब इसे जाना होगा। उसके पीछे रीज़न क्या है कि पीछे पॉकेट के ऊपर कोई ज़्यादा हैवी डिज़ाइन नहीं है, बिल्कुल प्लेन ब्लैक जीन्स है, और ये मैं डेफिनेटली रख रहा हूँ। तो यानी कि जो 5 जीन्स मैंने ऑर्डर की थी उनमें से सिर्फ हमने 2 रखी हैं, एक तो एलन सॉली की ये और एक H&M वाली, बाकी तीनों हमने वापस कर देनी है। तो उम्मीद है इस वीडियो में आपको सीखने को मिला होगा कि कैसे आपको अपने आप को देख के डिसीजन लेने होते हैं, किसी के बहकावे में आकर नहीं, चाहे मैं बोल रहा हूँ या फिर कोई भी और बोल रहा हो। तो मैं आपका यार दोस्त ऋषि अरोड़ा साइनिंग ऑफ, मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही फाड़ कंटेंट के साथ।